धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो सतगुरु प्यारे की चिट्ठी आई है उसकी सबको बहुत बहुत बधाई हो। उसके ऊपर एक कविता लिखी है जी, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। मेरे सोने सतगुरु जी की चिट्ठी आई है, मेरे सोने सतगुरु जी की चिट्ठी आई है, खुशियां ही खुशियां लाई है। आंखों में आई हमारे, अरे आंखों में आए हमारे प्यार के आंसू, हर दिल में उमंग और मस्ती छाई है। मेरे सोने सतगुरु जी की चिट्ठी आई है। सतगुरु जी ने वचन फरमाए, सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि माता जी मैं जल्दी वापिस आऊंगा और जल्दी वापिस आकर आपका इलाज करवाऊंगा। कोरोना की बीमारी से, अरे कोरोना की बीमारी से बचने की सारी दवाई बताई है और मेरे सतगुरु जी की चिट्ठी आई है। तो आगे क्या लिख दिया साध संगत जी, सतगुरु जी ने वचन फरमाए, अरे सतगुरु जी ने वचन फरमाए कि सेवा सिमरण करने वालों को कोई न दिक्कत आए और निंदा चुगली करने वाले काम हमने कभी नहीं सिखाए। सतगुरु जी ने वचन किए कि सेवा सिमरण करने वालों को कभी ना कोई दिक्कत आए और निंदा चुगली करने वाले काम हमने कभी नहीं सिखाए। अखंड सिमरण के नेट पे करना मुकाबले, अरे यही बात बतलाई है। मेरे सोने सतगुरु जी की चिट्ठी आई है, खुशियां ही खुशियां लाई है। और लास्ट अंतरे में क्या कह दिया साध संगत जी, अरे कान खोल के सुन लो निंद को, अरे कान खोल के सुन लो निंद को, हम सतगुरु जी के वचन काट रहे हो। कान खोल के सुन लो निंद को, हम सतगुरु जी के वचन काट रहे हो। अरे निंदा चुगली कर कर के तुम, निंदा चुगली कर कर के तुम काल के तलवे चाट रहे हो। अरे हिरणा कश्यप जैसे राक्षस रोक ना पाए राम नाम को, फिर तुमने क्या औकात पाई है। अरे तुम्हारे झांसे में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये सारी साध संगत हमारे हेडमास्टर शक्ति सिंह सिसोदिया जी ने पढ़ाई है और मेरे सोने सतगुरु जी की चिट्ठी आई है, खुशियां ही खुशियां लाई है। मेरे सोने सतगुरु जी की चिट्ठी आई है और खुशियां ही खुशियां लाई है। तो साध संगत जी, सतगुरु जी की चिट्ठी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सतगुरु जी का लाख लाख बार धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा।